नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां लाडली लक्ष्मी उत्सव आज सीएम आवास में मनाया जाएगा। उत्सव में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाडली बालिकाएं और अभिभावक मौजूद रहेंगे इस मौके पर। भोपाल की 1100 लाडली बालिकाएं मौजूद रहेंगी, जिले से 100 लाडली बालिकाएं इसमें शामिल होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां लाडली लक्ष्मी उत्सव आज मनाया जा रहा है और सीएम आवास में उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव में सीएम शिवराज सिंह शामिल होंगे, लाडली बालिकाएं और अभिभावक मौजूद रहेंगे। भोपाल की 1100 लाडली बालिकाएं इस दौरान मौजूद होंगी, जिले से 100 बालिकाएं जो हैं वो शामिल होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां लाडली लक्ष्मी उत्सव आज सीएम आवास में आयोजित किया गया है। उत्सव में सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं शामिल रहेंगे, लाडली बालिकाओं और अभिभावकों के साथ मौजूद रहेंगे, बालिकाओं से बातचीत भी करेंगे वो। इसके साथ ही भोपाल की 1100 लाडली बालिकाएं हैं ऐसी जो आज सीएम आवास में रहेंगी, जिले से 100 लाडली बालिकाएं इसमें हिस्सा लेंगी। बड़े स्तर पर आज सीएम आवास में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है और तमाम तरह की खास तैयारियां आज सीएम आवास में देखने को मिली। और जो लाडली बालिकाएं हैं वो सीएम आवास में पहुंचना शुरू हो गई हैं और कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और उनके निवास में ही यह उत्सव मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 1100 जो बालिकाएं हैं और 500 अभिभावक शामिल होंगे। खास बात यह है, इस कार्यक्रम में खास बनाने के लिए सीएम ने 2000 से ज्यादा प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया है। वहीं सीहोर, राजगढ़, रायसेन और सागर जिले में भी लाडली बालिकाओं को आमंत्रित किया है। उत्सव को खास बनाने के लिए पिछले कई दिनों से जोरों शोरों से तैयारियां शुरू थी और आज वो दिन आ गया है जब एक बड़े स्तर पे लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के लिए एक बड़ा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। शिवराज सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है मंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इस योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लाडली लक्ष्मियां हैं वो यहाँ पर आई हैं, अपने अभिभावकों के साथ वो यहाँ पर आई हैं और इस योजना को लेकर बातचीत कर रही हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगी लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर? तुम बोलो। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजना चलाई है लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत अच्छी योजना है। लड़कियों के भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत अच्छा एक मौका दिया है ये लाडली लक्ष्मी योजना। बिल्कुल, देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि अच्छी योजना है, आप क्या कहेंगी किस तरह से बदलाव लाया है लाडली लक्ष्मी योजना ने? उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मुख्यमंत्री जी साहब का। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 608 केंद्र क्रमांक के लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना और भी योजनाएं जो भी आपने हमारी बहनों के हित में, हमारे बच्चों के हित में जो काम किया है उससे उनको उनका विकास होगा, उनका विकास की बात करें। आप बताओगे लाडली लक्ष्मी योजना जो आई है किस तरह से बदलाव ला रही है और क्या इसके फायदे हैं?
पहले तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने इतनी अच्छी योजना हमारे एमपी में शुरू की है और कहीं नहीं है। तो पहले तो इस योजना में बालिका को 1,18,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी जो उन्होंने नया बदलाव किया है इसमें उनके ना 25,000 रुपए और बढ़ा दिए। जो बच्चियां अब कॉलेज करेंगी तो वो उन्हें 2 किस्तों में मिलेंगे। तो इस तरह से बदलाव आएगा, शिवराज मामा को लेकर क्या कहना चाहोगी आप? क्योंकि ये योजना आप लोगों के लिए ही है। धन्यवाद बोलोगी? बोलते हैं ना कि गिफ्ट देता है अपन को, तो कहते हैं हाँ तो थैंक यू बोलना चाहेंगे। मतलब जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो रही हैं और शिवराज मामा इतना कर रहे हैं, तो थैंक यू बोलना चाहूंगी। देखा आपने किस तरह से लाडली जो लक्ष्मियाँ हैं वो धन्यवाद कह रही हैं। हाँ क्या कहेंगी, ये जो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, उसने किस तरह से जीवन बदला है और किस तरह से जो बेटियां वो सुरक्षित हुई हैं? चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, जिस तरह से आप पहुंचे थे आज उस जगह पर जहां पर कार्यक्रम हो रहा है सीमावास में, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं काफी उत्साह जो है वो लाडली लक्ष्मियों में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उनके जो अभिभावक हैं वो भी शुक्रगुजार हैं सीएम शिवराज के। जी वैभव। बिल्कुल अमृता, इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में मौजूद है। बिल्कुल अमृता, इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में ही मौजूद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लाडली उत्सव ये है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। बड़ा उत्साह है। भोपाल जिले की करीबन 1100 लाडलियाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँची हैं। इनके साथ उनके अभिभावक भी पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो बेहद उत्साहित हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ, यही मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मैं खुद एक लाडली लक्ष्मी की माँ हूँ, तो मैं अपने प्रदेश के मामा जी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई। बालिकाओं के लिए तो चलाई ही चलाई, उन्होंने अपनी बहनों का भी सम्मान रखा और हमको भी सबल बनाने में बहुत सहयोग दिया। आपने किस तरीके से लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लाडली लक्ष्मी और साथ में क्या कहेंगे इस योजना को लेकर किस तरह से? मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, मामा जी ने हम लोग को इतनी मदद दी और हमें इतना काबिल बनाया कि हम खुद से कुछ कर सकें। तो मैं क्या कहेंगी इसको? मुझे बहुत खुशी है कि मैं मामा जी की भांजी हूँ और उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत सहायता दी है और बहुत सी बातें उन्होंने कहा। बिल्कुल वैभव, काफी ज्यादा उत्साह है यहाँ पर लाडली लक्ष्मी को देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जो लाडली बहना है वो भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जिस तरह से उनकी लक्ष्मियों को सम्मान दिया गया है, सशक्त बनाया गया है और महिलाओं को भी सशक्त बनाया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से। और अब जिस तरह से पिछले काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी, तो हम देखना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां सीएम आवास में की गई हैं और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आज। बिल्कुल, 1100 लाडली बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और आज किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लाडली लक्ष्मियाँ भी मौजूद हैं और उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। भव्य मंच सजाया गया है, मंच पर पीएम मोदी के ऊपर फोटो लगाई गई है, दूसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। इस जो पोस्टर लगाया गया है मंच पर, इस पर लिखा है कि बेटियों का सम्मान, मार्गदर्शन एवं संवाद। मतलब इस कार्यक्रम में जो लाडली लक्ष्मी आई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सीएम आवास में विशेष तैयारियां की गई हैं। पिछले कई दिनों से ये तैयारियां की जा रही थी और आज वो दिन आ गया है जब लाडली लक्ष्मी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ ही जिनकी अभिभावक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और काफी उत्साह देखने को मिला। जो उनकी माताएं हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि हमारी बच्चियों को, हमारी लक्ष्मियों को तो उन्होंने सशक्त बनाया ही है, काबिल बनाया ही। लेकिन उसके साथ साथ जो लाडली लक्ष्मी की माताएं हैं, लाडली बहनें हैं, उन्हें भी सशक्त बनाया गया है। जी वैभव।
वैभव ये भी जानना चाहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रही हैं उनकी भांजियां, कब तक सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे? तो सीएम इस वक्त पौधारोपण कर रहे हैं और उसके बाद कर रही हैं, उसके बाद इस उत्सव की शुरुआत की जाएगी, इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और पिछले कई दिनों से जोरों शोरों से इस उत्सव को बड़ा बनाने के लिए, एक बड़ा उत्सव कार्यक्रम बनाने के लिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाने के लिए काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां शुरू थी और वो तैयारियां अब आखिरी चरम पर पहुंच चुकी। और देखिए यहाँ पर जो लाडली लक्ष्मियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं मौसम को देखते हुए भी। और उसके बाद इन जो लाडली लक्ष्मी हैं जहाँ पर मौजूद हैं इन्हें सम्मानित किया जाएगा और उत्सव में कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं। और कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी।